ये सच है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं तुम्हारा देवदास नहीं, तुम्हारा देवदास कोई और है। तो भाई लोग, जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है, हमें कहानी वाइंड अप होते नजर आ रही है। फखर का गुलबानों से मुसलसल सामना होना, काशिफ का कंदील को फखर और गुलबानों को पास लाने का कहना, चहरोज के बाप का गुलबानों को मारने का प्लान बनाना, ये सब बातें इस तरफ इशारा कर रही है कि भाई कहानी खत्म होने वाली है। ड्रामा आगे बढ़ने के साथ साथ इस बात का भी दुख हो रहा है कि एक बहुत ही शानदार ड्रामा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ड्रामा की स्टोरी लाइन को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। एक तरफ तो हमें ये महसूस करवाया जा रहा है कि गुलबानों को सच पता चल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाया जा रहा है कि फखर के लिए गुलबानों की नफरत बढ़ती जा रही है और शहरोज के बाप ने गुलबानों को मारने का प्लान भी बना लिया है, जिससे सस्पेंस बढ़ता चला जा रहा है कि आगे क्या होगा। किस नंबर 10 के प्रीव्यू में हमें देखने को मिलता है कि काशिफ गुलबानों को खत लिखता है, जिसमें वो कहता है, मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो करता हूँ, लेकिन जिस देवदास से तुम मोहब्बत करती हो मैं वो नहीं हूँ। ये सच है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं तुम्हारा देवदास नहीं, तुम्हारा देवदास कोई और है। अब भाई व्हाट्सएप के ज़माने में खत कौन लिख कर भेजता है, एक मैसेज भी तो कर सकते थे। इसके साथ ही फखर भी इस बात को लेकर सोच में पड़ गया है कि कौन है वो लड़का जिसकी वजह से गुलबानों की आंखों में मेरे लिए इतना गुस्सा और नफरत भर आई है। वो लड़का कि जिसकी वजह से गुलबानों की आंखों में मेरे लिए गुस्सा, नफरत और हमेशा बेगानगी होती है। लगता है काशिफ बहुत पिटने वाला है, और साथ ही गुलबानों की फखर के लिए नफरत बढ़ती जा रही है जो कि खत्म तो नहीं होने वाली। मेरी नफरत उसके लिए मोहब्बत में कभी नहीं बदल सकती। फखर की काशिफ से मुलाकात भी होगी और वो फखर को जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसके बारे में बताएगा। कौन है लड़की? बिल्कुल तेरी गुलबानो जैसी है। इसका मतलब है कि अब सारे राज खुलने वाले हैं। ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचते नजर आ रहा है, लेकिन अब तक ये बात किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ड्रामा की स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रही है, उम्मीद है आखिर तक इसी तरह चलते रहेगी। वो गाना है ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, ये ड्रामा भी इसी तरह चल रहा है। इख्तिताम का तो पता नहीं, लेकिन अभी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है ड्रामे के इख्तिताम पर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।